चिराग इश्क जलाओ, शहर में अंधेरा है, साथ देने को कदम बढ़ाओ, एक मुसाफिर अकेला है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ और तुम वो कितना सोच रहे हो। मैं भी सोच नहीं रहा हूँ, मैंने कुछ ख्वाब देखे हैं हमारे लिए। मैं चाहता हूँ हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी हो, एक अच्छा सा घर हो और हमारे बच्चे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़े। बस बस बस, फिर तो हम बुढ़े होकर ही शादी करेंगे, फिर ना घर का मजा ना गाड़ी का और बुढ़ापे में बच्चे। इट्स सो फनी पीटर। नो नो जेनी, मैं ऑलरेडी एक मिडिल ईस्ट कंपनी में एक जॉब के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और वो मुझे 1500 दिनार ऑफर कर रहे हैं। सो अगर उसको आप कन्वर्ट करो पाकिस्तानी रुपीस में तो एक हैंडसम अमाउंट बनती है। सुनो, फिर तो मैं पहली फुर्सत में ही शादी करूंगी। अगर तुम मिडिल ईस्ट चले गए फिर तो गए। बेबी यू डोंट ट्रस्ट मी, है ना, जरा भी एतबार नहीं ना मुझ पे। और सुनो, जहाँ एतबार ना हो वहां तो शादी करनी नहीं। तुम पर एतबार, तुम पर एतबार तो खुद से ज्यादा है। तुम मुझसे इतनी दूर चले जाओ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती पीटर। यार देखो मेरी बात सुनो, अगर ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो उसके लिए कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी ना। मुझे आज में जीने दो, मुझे अपना आज ब्राइट करना है। लिसन जेनी, अब तुम जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो गई। देखो शादी एक इमोशनल नहीं, एक प्रैक्टिकल डिसीजन है। लाइफ होगी तो प्रैक्टिकल भी होगी ना। व्हाट डू यू मीन? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मरियम पहले ही मेरी दुश्मन बन चुकी है। अच्छा वो देखो कितनी प्यारी बोट्स है, वो देखो। बीबी जान आपने बुलाया? आओ बुलाए। जब तू परदेश में था तो हमको सबर आ गया था, एक दिन हमारा बेटा आएगा तो हमारा पास होगा। अरे तो आपके पास ही तो हूँ। किधर पास है, जब से मास्टर साहब बना है ना हमसे तो गुम ही हो गया। आप नाराज हैं मुझसे? आओ, नाराज ना हो तो क्या करूं। तुम्हारा बाबा तुम्हारी वजह से हमसे सीधा मुंह बात नहीं करता। वो बोलता है कि हमने अली को बाहर से पढ़ाकर बहुत बड़ा गलती किया है। अब बाबा को कौन समझाएगा? अच्छा अब तो पढ़ के आ चुका ना, अब क्या हो सकता है? तुम अपने बाप का बात मान लेगा तो तुम्हारा जेब से कुछ खर्चा हो जाएगा। जान आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, छोड़ें। अच्छा ठीक है, तुम हमको ये बताओ कि ये मरियम कौन है और तुम उसको कैसे जानता है। पहले आप मुझे बताइए कि आप मरियम को कैसे जानती हैं? तुम्हारा बाबा टेलीफोन पर बात कर रहा था, किसी को बोलता था कि अली को कॉलोनी वाला है और मरियम से बड़ा हमदर्दी है। तो ये बात है। हमको सीधा सीधा बता दो ये मरियम कौन है। निशान मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाती है बस। ओ मेरे खुदाया, उधर तुम गोरा चोकरी को छोड़कर आया और इधर उस्तानी को पसंद कर लिया। तुम्हारा बाप सही फिक्र करता है तुम्हारा। हम बरादरी को क्या मुंह दिखाएगा, लाला गुलकान को क्या जवाब देगा? बीबी जान क्या हो गया आपको, मेरी बात समझने की कोशिश तो करें, सुन तो लें। तुम हमको बीमार कर कर छोड़ेगा, हम कुछ नहीं जानता। बस आज के बाद तुम्हारे मुंह से हम मरियम का नाम नहीं सुनेगा। बीबी जान मेरी बात सुन तो। हमारा सर पर हाथ रखकर कसम खाओ तुम आइंदे उस चोकरी का नाम अपने मुंह से नहीं लेगा। ये आप मुझे कहाँ ले आए, मुझे तो कहीं आराम से बैठ के बात करनी थी। आराम से बैठ के बात करेंगे ना, चले। बेटा
जैनी, तुम हमको साफ साफ बता दो, अगर तुमको अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं करना, अगर तुमको कॉलेज नहीं जाना, तो अपना वक्त और हमारा पैसा बर्बाद मत कर। दो मिनट आप मुझे चैन से नहीं बैठने देती। मेरी भी कोई लाइफ है, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं जहन्नुम से नहीं कॉलेज से ही आ रही हूँ। रियली? तुम हमसे झूठ बोलता? ये कोई टाइम है कॉलेज से आने का? तुम हमसे झूठ बोलता है? हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही झूठी, बस सच्ची तो एक आप है और दूसरी वो आपकी बेटी मरियम पेरेरा। इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझसे बात क्यों करते हैं? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें प्लीज। ए, किस तरह बात कर रही हो मम्मी से? शर्म नहीं आती तुम्हें? पता है माँ हमारी हार्ट की पेशेंट है, इतना सभी स्ट्रेस ले लेते हैं ना, वो बीमार हो जाती हैं। ये स्ट्रेस लेती नहीं, देती हैं, और ये मुझे बीमार कर रही हैं। छोटा बच्चा नहीं, सब पता है मुझे, क्या हो रहा है घर में, क्या नहीं हो रहा, सारा बर्डन वो बेचारी मरियम ले रही है, और तुम तो खाना पीना सोने के अलावा करती क्या हो? Shut up. You are not my father. जब बाप सर पे ना हो ना, तो छोटा भाई ही बहनों का बाप होता है। अच्छा ना, सब पता है मुझे, मुझे सिखा रहा है। Shut up. You shut up. हो कौन तुम? जैसे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या, वो कौन? क्यों, तुम्हारा क्या काम है? मेरा ही काम चुप है। रहो। कहाँ थी तुम इतनी देर से कॉलेज में? पूछे से पूछे कहाँ गई थी? पूछे सर पे चढ़ा के रखा, इस बात में मारूंगी। बड़ा हो रहा है फादर। लेट आ रही है, पूछे तो कहाँ होती है? बस 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 बस। क्या कहा तुमने? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जेनी में ऐसा क्या जो किसी और लड़की में नहीं? कभी खुद को आईने में देखा है घर से? कितनी खूबसूरत हो। इसे कहते हैं हौसला, कि एक इंसान तुम्हें देखे और कदम उधर ही रुक जाए। ये तुम मेरे लिए कह रहे हो? जी हाँ, आप ही को कह रहा हूँ। आपको देखकर तो किसी भी बंदे का दिमाग खराब होता है। मैं क्या चीज़? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जैनी तो आपके पैरों की धूल भी नहीं। ऐसा है कि जैनी मेरे पीछे गोश्त बन के पड़ गई, उससे मेरी जान छोड़ा दे प्लीज। तुम जैनी को चीट कर रहे हो क्या? तुमने जैनी से ये नहीं कहा था तुम्हारी बहन मरियम नहीं चाहती कि तुम दोनों की शादी हो? नो, नेवर। तो तुमने ये नहीं कहा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आई स्वेयर। लेकिन जैनी तो? आप कहें तो मैं जैनी के सामने कह सकता हूँ तुम्हारी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। शट अप। यार मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप मुझे डांट रही हैं, इतना भी बुरा नहीं हुआ। बैठे कुछ सोचे मेरे बारे में, प्यार से बैठ के बात करते हैं। अच्छा हुआ मेरी तुमसे बात हो गई। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे जैसे घटिया और कमीने इंसान से मेरी बहन की शादी हो। अरे बात तो सुने, सुने तो सही। देखो बच्चों, जो खूनी रिश्ते होते हैं ये कयामत तक के लिए होते हैं। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? बिस्मिल्लाह करो, शाबाश बेटा, ये देना। अम्मा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। शाबाश। सुन रहे हो उस्मान, बड़ा भाई माफी मांग रहा है, अब तुम भी बेटा अपना दिल साफ कर लो। मेरा दिल साफ ही है अम्मा। बताया, अब मेरा दिल बिल्कुल साफ नहीं है। मैं सारा का इतनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी और आप तो उसको लेके ही नहीं आए। अरे बेटा, सारा की बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, वरना मैं उसे जरूर साथ लाता। क्या बात है सुफियान बेटा, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं था अबू, ऐसा सुन रहा था आप जो कह रहे हैं। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि मैंने मुश्किल वक्त में आप लोगों का साथ नहीं दिया, इसके लिए आई एम सॉरी। जी साहब। कोई बात नहीं भाई साहब, वो वक्त भी गुजर गया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये बड़ी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। बस आयशा, गड़े मुर्दे उखेड़ने की कोई जरूरत नहीं। अरे अच्छी अच्छी बातें करो, इतने दिन के बाद मेरे बच्चे खाने की मेज पर मौजूद हैं, और अच्छी बात ये हो सकती है कि इन्हीं रिश्तों को मजबूत बनाने की बात करो।
इरफान कैसी अच्छी जोड़ी रहेगी माशाल्लाह, सुफियान की और सारा की, है ना? बड़ा मसरूफ रहता है बच्चा, हर वक्त टेलीफोन या क्या करते हैं लैपटॉप या क्या बना होती, हर वक्त ये लो ना नहारी दोस्त को पी के। ये तुम क्या कह रहे हो पीटर? मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, यही बोला तुम्हारी बहन ने, उसने बोला छोड़ो जेनी वेनी को, तुम मेरी आइडिया लो, मैं हूँ ना, आई विल टेक केयर ऑफ यू। ओह गॉड, मैरी तुम्हारे साथ ही? जी आई स्वेयर मैरी मेरे साथ। पीटर हम आज ही कोर्ट मैरिज करेंगे। इजी, इजी, इजी। मैं उसका आइडियल, वो मेरी आइडियल नहीं है। नहीं, मुझे मैरी को बताना है कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। जानी बात ही है। नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अगर आज हमारी शादी नहीं हुई ना तो फिर मेरा वही फैसला होगा, सुसाइड मैं करूंगी और फंसोगे तुम। ओके ओके रिलैक्स, इजी, ओके जैसा तुम कहोगी वैसा। आओ रोजी। Are you okay? हाँ बस थोड़ा सा सर में दर्द है। जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज काम बहुत ज्यादा था, थक गई। मरियम कोई एक मसला हो तो बताओ ना, जेनी तुम्हें बहुत परेशान करती है और मुझे बहुत दुख होता है। ऊपर से कॉलोनी का मसला, फिर जेनी का मसला, आखिरकार आप भी इंसान हैं। खैर है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हार्ड टाइम्स आ जाते हैं जिंदगी में, बस उनको फेस करना आना चाहिए। एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ पूछो। क्या आपने उस मुस्लिम लड़के के रिश्ते का मना कर दिया? चैप्टर में कब से क्लोज कर चुकी? वो तो आपको बहुत चाहता था, उसने खुद प्रपोज किया था आपको, जेनी ने बताया था मुझे। शाम हो गई है, जेनी का कुछ पता नहीं है। इस लड़की ने बहुत सताया मुझे। आकम अली खान, सियासत एक तिलिस्मी खेल है, यहाँ पलक झपकते ही मंजर बदल जाता है। आज हमारी पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाई में, लेकिन तुम बहुत लेट हो गए हो। वो देखो जग खाली करा ले, इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर तुम दो चार दिन सबर करो। सबर करूं? दो चार दिन सबर करूं? चारों तरफ से मुझे काम मिल रहा है। रात ही एक इन्वेस्टर मुझसे कहने लगा कि तुमने 8 टावर्स की बात की है, मैं तुम्हारे साथ 16 टावर्स का एग्रीमेंट करता हूँ। 8 टावर्स तो क्रिश्चियन कॉलोनी में बना लो और 8 के लिए कोई और प्राइम लोकेशन ढूंढ लो। लाल लालच में दोस्त भी भूल गया। देखो हमको थोड़ा सा वक्त दो, हौसला करो, और तुम्हारा नाम ही जानबाज है यार। जान की बाजी लगाकर ही तो मैं मिनिस्टर बना हूँ, और अगर इन 5 सालों में भी माल नहीं बनाया तो जान की बाजी लगाने का क्या फायदा? सोच भी गया और असल भी गया। देखो हम किसी काम में लगा हुआ है, बहुत जल्द तुमको एक अच्छा खबर मिल जाएगा। वो लोग बस्ती खाली नहीं कर रहे, से आग लगा दो। आग लगा दो? हाँ आग लगा दो, थोड़ी जांबाजी तुम भी तो दिखाओ। हिसाब दे सकती हूँ, दे सकती हूँ हिसाब मेरे दिन महीनों सालों का जो मैंने तुम पे लुटा दिए, बर्बाद कर दिए। सब मुझसे हिसाब मांगते,
मैं किससे हिसाब मांगू? यार ये क्या मजाक है, ये सारा बीच में कहां से आ गया? मैं चाहूंगी तो तुम्हें माफ नहीं कर सकता मरियम दरबार। क्या समझाया तुमने मुझे? पागल हो गया हूं, अंधा हो गया हूं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया और मैं गिल्टी फील कर रहा हूं कि शायद मैं कुछ ज्यादा कह गया। खरी खरी सुनाती लेकिन दिल पर बोझ। मोहब्बत के नाम पे मजाक, मजाक की भी कोई हद होती है? ठीक ही तो है, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपने जो किया शायद कम है, लेकिन गुस्सा, बदगुमानी, मोहब्बत पर छा गई। कुछ तो सोचते, आखिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत गुमशुदा नहीं होती। तो फिर मैं आपकी मोहब्बत क्यों ढूंढ रही हूं? क्यों? हाँ भाई पीटर, अब बताओ क्या मामला है तुम्हारा? भाई क्या बताओ यार, लड़की से फ्लर्ट कर रहा था, गले पड़ गई। अच्छा यार, ये कोई नई बात नहीं है, हर लड़की के साथ ये मसला है। थोड़ा सा फ्लर्ट किया करो, मोहब्बत समझ लेती है और शादी तक का प्लान कर लेती है। अबे भैया बाकी सबको मार गोली, अभी बात कर जैनी की बात कर रहा हूँ यार मैं। तो फिक्र क्यों करता है, जाकर बोल दे कि फ्लर्ट कर रहा था, आई एम सॉरी। इतना सिंपल नहीं है, अगली पागल है, बात बात पे खुदकुशी करने की धमकी देती है, मर गई तो? तो कितना भोला है यार पीटर। अरे जो लोग गरजते ना वो बरसते नहीं है, धमकी दे रही है। दे रहे थे? अबे तू पागल है, तू मजे ले रहा है? उसने मेरी जिंदगी हराम की हुई और तू हंस रहा है? यार तो फिर एक ही रास्ता है हमारे पास कि तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि एक ना एक दिन शादी तो करनी है और वैसे भी वो तुझसे बहुत प्यार करती है, ये सही तो है। अबे ऐसे कैसे कर लूं शादी, इस बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। और दूसरा, उधर मैं बिजनेस कर रहा हूँ जिसके साथ वर्किंग रिलेशन मेरा सही नहीं है, कल को ठुड्डा मार के निकाल दिया, कौन खर्चे पूरे करेगा? अरे मेरे मुन्ना, जैनी भी जॉब करेगी, तुम भी जॉब कर लेना, सब जगह यही तो हो रहा है, सारे मसले हल हो जाएंगे मेरे दोस्त। तो तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? साइड तू जैनी की ले रहा है, मसले मैं तुझे बता रहा हूँ। यार मैं तो तेरी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहा हूँ। अबे ये सलूशन है यार, ये सलूशन है, खर्चे बता रहा तू मुझे? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, तू रिस्पॉन्सिबिलिटी या खर्चे की वजह से शादी का मना तो नहीं कर रहा? देख अच्छा लाइफ और लाइफ पार्टनर की बात नहीं है यार, वो बेवकूफ लड़की है यार, अपने घर वालों को चीट करके लाइफ एंजॉय करने का सोच रही है। ऐसी बीवी मैं आइडलाइज नहीं करता भाई, बीवी होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल, ड्यूटीफुल, समझ रहा है? तो सिंपल है मेरे दोस्त, टाइम बाय करो, और शादी नहीं कर सकते एटलीस्ट तसल्ली पर तो रख सकते हो ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर उसने खुदकुशी कर ली तो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मदर की जिंदगी अजाब ही समझो। नहीं यही तो टेंशन है यार। चल अच्छा तू परेशान नहीं हो, चला मैं तेरे को फिश बारबेक्यू खिलाता हूँ और तुझे बताता हूँ कैसे दाना डालते हैं मछली को, कैसे पकड़ते हैं। चल चल चल, खिला भी फिश रहे बाजी बा। चल मेरे दोस्त। Thank you.
बिलाल सर, क्या हो रही है सब? आप लोग क्लास में क्यों नहीं जा रहे? सर मैं मरियम आज फिर नहीं आई, इसलिए हम लोग ब्रेक पर हैं। तो सर मैंने सुना उन्होंने जॉब छोड़ दी। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है सर उनको कोई बेहतर जॉब मिल गई हो। बहरहाल आप लोग जाइए प्लीज क्लास में जाइए। मरियम किधर है तुम? हमने ब्रेकफास्ट लगा दिया, जल्दी आओ। मरियम पता नहीं ये लड़की कॉलेज नहीं जाएगा, फिर लेट हो जाएगा। मरियम कॉलेज नहीं जाएगा? नहीं मम्मी, आज नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगा? तुम्हारा तबीयत ठीक है? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मरियम, तुमको तो बुखार है। चलो हम तुमको डॉक्टर के ले जाए। बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मुझे सोने दें थोड़ा सा प्लीज। ठीक है, हम तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आते हैं। देखो बेटा, हमारा बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली बिजनेस है, और फिर मेरे को चार पांच बेटे तो हैं नहीं जिनमें मुझे जायदाद तकसीम करनी पड़ेगी। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है बाबा। मैं कुछ अरसे के लिए इस माहौल और इन हालात से दूर जाना चाहता हूँ, वरना अलगो इंसान में पागल हो जाऊंगा। ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है बेटा। दूसरों ने धोखा दिया, अब खुद को भी धोखा देके देख लेते हैं। ये क्या बच्चों जैसी फजूल बात की तुमने हैं? पापा मैं डिप्रेस होता जा रहा हूं, और मैं यूं जिंदा लाश बन के नहीं जीना चाहता। मुझे प्लीज कुछ करने दे, अपनी जिंदगी को बचाना मेरा हक है। ओके ओके, तुम लॉ करना चाहते हो ना, तो जरूर करो। लेकिन बेटा ये सब कुछ यहां इस मुल्क में भी तो हो सकता है, और फिर तुम बाहर चले जाओगे तो तुम्हारी मां तो बहुत रंजीदा हो जाएगी। बाबा वो कोई इशू नहीं है, आप जानते हैं आप और मामा जब चाहे मुझे विजिट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि तुमने तय कर लिया। शदीद अजियत में हूं, भाग जाना चाहता हूं कहीं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत ही दूर। अच्छा बेटा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मरियम लो मेडिसिन खाओ, गुड गर्ल। हमको मालूम है सुफियान तुमको बहुत हर्ट किया,
मरियम, तुम उसको बताता क्यों नहीं है? तुम अपना प्रॉब्लम उसके साथ शेयर क्यों नहीं करता? मम्मी, नहीं बता सकती। मरियम, वो तुमको लव करता है, उसको बताओ, वो अंडरस्टैंड करेगा, शेयर करो उसके साथ। मम्मी, वो मुझसे हमदर्दी करेगा और ये मैं नहीं चाहती। तुम क्या चाहता है? क्या चाहता है मरियम? मम्मी, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना चाहती हूँ, किसी की मोहब्बत को सफर नहीं करवाना चाहती। मैं समझ में नहीं आता तुम्हारा। हेलो, मैं सोच रही हूँ मम्मी कि मैं भी ना 40,000 की जॉब शुरू कर देती हूँ, तो मम्मी मुझसे भी पीटर की बातें करेंगी, उसके लव को रिगार्ड करेंगी। तुम कितना पागल के माफिक बात करता। जो सच बोलेगा वो तो सफर करेगा ना, ऐसा ही है ना मम्मी? चुप रहो जैनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मम्मी को हर वक्त परेशान करती रहती हो। ओह रियली? लगता है ये सिर्फ तुम्हारा मम्मी है, मैं तो अडॉप्टेड हूँ ना। अपनी बदतमीजियां जस्टिफाई करने के लिए मम्मी को परेशान मत करो। बात ये है मैरी कि मम्मी तुमसे सुफियान की बातें करें, उसका लव डिस्कस करें, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, हालांकि वो एक मुस्लिम है, मगर पीटर, पीटर का नाम सुनते ही इनको गुस्सा आ जाता है, आग बगोला हो जाती है। व्हाट अ हिपोक्रेसी, इतनी बदतमीज हो चुकी है, मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ, पहले मुझे भी यकीन था कि तुम मेरी बहन हो, मगर अब पता चला कि हम तो तुम्हारे गुलाम हैं, क्योंकि तुम तो हमें कमा के खिलाती हो। हो गया, जाओ अब यहाँ से। जा रही, तुम ना कि अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करो। सर, मैंने सुना है उन्होंने जॉब छोड़ दी। यार जल्दी से एक दुम्बा कढ़ाई लगा दे, सामने बैठे वहां भेज दे, ठीक है? आ जा मेरी जान, ये दुम्बा कढ़ाई खाओ। और परेशान क्यों है, सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा बता मुझे तेरा मसला क्या है? जहर लगती है ऐसी लड़की जिससे फ्लर्ट कर और जबरदस्ती की बीवी बन जाए। दिल पे क्यों ले रहा है यार, शादी होनी थी, हो गई, हौसला कर। मुझे जेनी से शादी नहीं करनी थी, और ना ही मुझे इस तरह बंदूक की नोक पे शादी करनी थी। फ्लर्ट करने से पहले मुझे बता देता, मैं तुझे जेनी से दूर रहने का मशवरा दे देता। यार गलती ये हुई कि मरियम परेरा मुझे नहीं मिली, अगर वो पहले मिल जाती उसी को पटा लेता और उसी से शादी करता, आज वो मेरी बीवी होती। मरियम परेरा, वो इसी जेनी की बहन। जेनी की बहन? What? ये क्या बोल रहा तू? अच्छा यार कुछ खाने को मंगवा यार, बीपी लो हो रहा है मेरा। ले आ यार, अब तो इसने मेरा भी बीपी लो कर दिया। आकिम खान, ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। देखो उसको सबर नहीं, वो बोलता है कि हम कोई और इन्वेस्टर देख लेगा। उसका अकल काम नहीं करता है। अगर एक आदमी क्रिश्चियन कॉलोनी को खाली कराने के लिए उसको आग लगा सकता है, भूख से उड़ा भी सकता है। गुस्सा तो मुझको भी बहुत आया था, पर मैंने सबर किए। देखो ये करोड़ों का नहीं अरबों का बात है, और जिसका जेब में अरब आएगा ना, वो ही उसको 100 अरब बनाएगा। सारा गड़बड़ इस अली की वजह से हो गया। अगर वो अपने बाप का कहना माने ना, तो आज ये कॉलोनी खाली हो जाए। देखो सादिक खान बाबा, तुमसे कौन सा बात हमारा छुपा है? पावर तो मेरे पास बहुत है, लेकिन बेटा के सामने मजबूर हो जाते हैं। उसको बाहर का हवा लग गया, ज्यादा गुस्सा करो तो हवा का घोड़े पे अमेरिका चला जाएगा, वहां जाके पोलो खेलेगा। हमारा बेटा, हमारा बेटा, हम उसको फॉलो खिलाएंगे।
ये मरियम क्या बेचता है हमारे सामने? मरियम फिर क्या चीज है? मैं नहीं हूं मरियम बरेरा का भाई। जो सबर करता है ना वो सीधा जन्नत में जाता है। आपकी बेटी का नया बॉयफ्रेंड तो बड़ा ही हैंडसम। मैं आज रात की फ्लाइट से बाहर जा रहा हूँ। अपने दुश्मन का मुंह तोड़ना अच्छी तरह जानता है। 10,000 गुलाम संभालता है, एक बेटा नहीं संभाला जाता। लेकिन वो तो माँ बनने वाली है। पुराना जाएगा तो नया आएगा ना। तुम अपना बाप से नहीं जीत सकता। मैं इन फरसूदा रस्म रिवाज को नहीं मानता।